आज की ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज इसमें हम लोग मेजरमेंट किस प्रकार से लेते हैं वो सीखेंगे पुराने ब्लाउज से। ठीक है, ये मेजरमेंट आप बॉडी से भी ले सकते हैं, पुराने ब्लाउज से भी ले सकते हैं, तरीका बिल्कुल सेम होता है, लेकिन बॉडी मेजरमेंट लेने के लिए बहुत से लोग घबराते हैं। तो ब्लाउज का मेजरमेंट आपको किस प्रकार से लेना और क्या क्या चीज़ें नापनी, देखो यहाँ पर इतने सारे मेजरमेंट्स लिखे हुए हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो लोग हमसे पेपर कटिंग मंगाते हैं और ये बोलते हैं कि सर हमको पर्सनली पेपर कटिंग बनवाना है, हम मेजरमेंट्स आपको देंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं, लेकिन होता क्या है कि वो लोग बोलते तो हैं कि हम पूरा मेजरमेंट दे रहे हैं, आप उसके हिसाब से कटिंग करके भेजो, लेकिन मेजरमेंट पूरा नहीं भेजते हैं। वो गिने चुने दो चार मेजरमेंट भेज देंगे, लंबाई चेस्ट कमर बस, और शोल्डर भेज देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद बाकी कुछ नहीं भेजते, आर्महोल की गोलाई नहीं भेजते हैं, डॉट पॉइंट को नहीं भेजते हैं। तो आज इसी चीज़ को हम समझेंगे कि आपको किन किन मेजरमेंट्स को भेजने की आवश्यकता है, और ये आपको तब भी काम आएगा जब आप खुद से कटिंग करते हो, तो आपको किन किन मेजरमेंट्स को लेना है, कब किस मेजरमेंट की कहाँ आवश्यकता पड़ जाती है, वो आपको यहाँ पर समझना है। सबसे पहले लंबाई, ब्लाउज की लंबाई आप पीछे से इस प्रकार से नाप लो। ठीक है, जो भी लंबाई आ रही है इसमें कितना आ रहा है, 13 सवा 13, तो आप जो भी आएगा वो आप नोट करो। तो सबसे पहला काम रहेगा लंबाई का, उसके बाद आ जाएंगे हम चेस्ट साइज़ पे। तो देखो चेस्ट को दो तरीक़ों से नापा जा सकता है, एक तो आप पूरा पूरा इसको ऐसे नापो, ये देखो इस तरह से यहाँ से रख के ऐसे थोड़ा सा खींच के नाप लिया जाता है, एकदम लूज नहीं और एकदम भी नहीं खींचना है, नॉर्मली आप देख सकते हो हाथ किस प्रकार से रखा, इतना खींच के आपको नापना है, 18 जस्ट डबल 36। ठीक है, और ऐसे हल्का सा खींच के, ये कितना है 9 इंच, हल्का खींचना है, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना। तो इसका चेस्ट साइज 36 है। इस प्रकार से कमर, नीचे कमर पे आएंगे, ये देखो आई पट्टी छोड़ के नापी जाती है, ये इस प्रकार से ऐसे नापोगे पूरा गोल राउंड कमर आपका कितना है। ठीक है, ये देखो 30.5 आ रहा है, तो ये आपका कमर का मेजरमेंट, आपको इस तरह से पूरा गोल राउंड लेना है। एक चीज़ यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान देना, जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, कि अगर आपको लगता है कि आपका अपर चेस्ट और फुल बस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो आपको अपर चेस्ट का मेजरमेंट अलग और फुल बस्ट का मेजरमेंट अलग से लेना होगा। वैसे तो कटोरी ब्लाउज के लिए इस मेजरमेंट की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कटोरी हम उरेप काटते हैं बैठ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर दूसरे पैटर्न्स आप बनवाते हैं तो आपको अपर चेस्ट और फुल बस्ट दोनों का मेजरमेंट अलग अलग लेना होगा, अगर आपको लगता है कि दोनों के मेजरमेंट में डिफरेंस 3 से 4 इंच का है, 1.5 इंच 2 इंच है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इतना करने के बाद नेक्स्ट जो मेजरमेंट है वो है कटोरी का। कटोरी आपको इस तरह से नापनी चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर कटोरी को आखिर नापते कैसे हैं, तो इसको ऐसे ही नापते हैं। देखो हुक पट्टी तरफ से नापना, आई पट्टी तरफ से मत नापना, हुक पट्टी को नापना, पूरा पूरा पट्टी को लेना, और ये सिलाई जो आपकी कटोरी की सिलाई आई है ना वहाँ तक इसको मेज़र करना, कितना आ रहा है 1.5 इंच। इस प्रकार से आप कटोरी का मेजरमेंट लोगे। उसके बाद आते हैं डॉट पॉइंट, और ये सबसे इम्पोर्टेंट मेजरमेंट है। शोल्डर से इस तरह से, ये देखो इस प्रकार से शोल्डर से ऐसे नापना है। ठीक है, जितना भी आ रहा है 1.5 आ रहा है, डॉट पॉइंट हो गया ये। दोनों डॉट्स की आपस में बीच की भी दूरी नापी जाती है, वैसे इस मेजरमेंट की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी दोनों डॉट्स की आपस में जो बीच की दूरी है उसको आप ऐसे नापोगे, पूरा पूरा आपको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे नापोगे और उसका जस्ट डबल कर लोगे, कितना आ रहा है 4.25 आ रहा है, तो 8.5। ठीक है, तो ये जो 4.25 आता है ना, यही 4.25 पे हम निशान लगाते हैं, बाकी पैटर्न्स के लिए, कटोरी ब्लाउज पे नहीं। अब शोल्डर का मेजरमेंट, शोल्डर का जो मेजरमेंट है उसको लेने का एक सटीक तरीका होता है पुराने ब्लाउज में। सबसे पहले आपको गले के फैलाव को बराबर जमाना है, ब्लाउज को सूटेबल रखना है, है ना, गले का फैलाव वही 4.5-5 जितना भी आपने रखा है कटिंग करते हुए, क्या आपको नॉर्मली देख के समझ में आ जाएगा कि ब्लाउज सही साइड रखा है कि नहीं रखा है। देखो 5 इंच का गैप छूटा, उसके बाद आप एक आस्तीन के जॉइंट से दूसरे आस्तीन के जॉइंट को नापेंगे, तो पुराने ब्लाउज पे ये शोल्डर आ रहा है 9 इंच का। यही जब आप बॉडी पे मेज़र करोगे तो यही शोल्डर आपके 14 इंच 14.5 इंच इस तरह से आते हैं, है ना। तो ये ब्लाउज जो है फैलता है बॉडी पे जाने के बाद, तो बॉडी मेजरमेंट पे शोल्डर का फ़र्क आता है और पुराने ब्लाउज पे शोल्डर का बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। शोल्डर का मेजरमेंट आप इस प्रकार से लेंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम किस में, सामने और पीछे के गले पर। तो सामने और पीछे का जो गला है उसको आप किस प्रकार से नापोगे, ये ऐसे देखो इस तरह से रख करके, कितना इंच आ रहा है गला, 7 इंच, तिरछा नापते हैं हम, आप भी तिरछा नाप सकते हो, अगर सीधा नापना है सीधा भी नाप सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप सीधा नापोगे, गले को सीधा नापोगे, तो हमारे मेजरमेंट में आपके मेजरमेंट में 0.5 इंच का फ़र्क आएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान देना, पीछे गले के मेजरमेंट को हम समझते हैं, सीधा नापोगे तो इस तरह से, तिरछा नापोगे तो इस तरह से, मैंने ये बता दिया आपको। और पीछे में भी एक बार उस चीज़ को समझ लेते हैं, जैसे हम इसको तिरछा नापें,
तो ये गला हमारा कितना आ रहा है, मान लो 10 इंच, ठीक है। अगर इसी को हम सीधा नापें तो ये गला हमारा आ रहा है अप्रॉक्स 9.5 इंच, तो ये फ़र्क होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब शोल्डर पट्टी, ये एक इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट है, आपको कितना इंच शोल्डर पट्टी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं सर शोल्डर चौड़ा है, होता है ना, तो ये आप देख लेना कितना आ रहा है, 1.25, आपको कितना शोल्डर पट्टी पसंद है उसके हिसाब से, मेरे को तैयार इतना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। अब आते हैं आस्तीन की लंबाई, तो ये इस प्रकार से आस्तीन की लंबाई आपको नापनी है, 4 इंच इसकी लेंथ है। आस्तीन की गोलाई ये देखो, ये इस प्रकार से जितना भी गोलाई है आप इसको नाप लो अच्छे से। कंप्लीट राउंड गोलाई बॉडी पे नापते हैं और इस पर हाफ ही नापा जाता है। अभी आर्म होल, आस्तीन का आर्म होल राउंड, ये गोलाई हो गया, लंबाई हो गया, अभी यहाँ पर आ जाते हैं हम आर्म होल राउंड पे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट है आर्म होल, क्योंकि ये आपको आस्तीन कटिंग में भी काम आता है और ब्लाउज कटिंग में भी। ये कितना आ रहा है, 8 इंच, इसको भी आप ध्यान रखें। अब आ जाते हैं पीछे गले के शेप के ऊपर में, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग हमसे मतलब पर्सनली पेपर कटिंग्स मंगवाते हैं उन लोगों की अक्सर डिमांड रहती है कि सर हमको गोल गला नहीं चाहिए, हमको मटका गला चाहिए, पान गला चाहिए, या और कुछ भी गला जैसे ग्लास गला है, वी गला है, हमको इस टाइप का चाहिए। तो आप वो चीज़ भी बताएं कि आपको कौन से गले का शेप चाहिए। अब देखो ये चीज़ मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा एड ऑन करके बोल रहा हूँ, कमर बेल्ट की दूरी और कमर बेल्ट की चौड़ाई नापना कैसे, शोल्डर से आपका जो बेल्ट आ रहा है जिसको हम योग पट्टी भी बोलते हैं वो कितने इंच पर है, जैसे यहाँ पर 11 इंच पर है, शोल्डर से नापना कितने इंच पर है वो मेजरमेंट, और कमर बेल्ट की चौड़ाई ये देखो, ये इस तरह से आपको नापना है कि आपको कितना चौड़ा कमर बेल्ट चाहिए। तो ये इतने मेजरमेंट आपको भेजने पड़ेंगे जब आप पर्सनली हमसे पेपर कटिंग्स मंगवाना चाहते हैं खुद के मेजरमेंट पे, जिससे आपको 100% फिटिंग मिलेगी। जब भी आप ब्लाउज बनाओगे आँख बंद करके ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो, कुछ भी इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से अगर आप लोग चाहते हैं कि कंप्लीट अपने मेजरमेंट पे आपको फर्मा बनवाना है, आप बनवा सकते हैं और 7 से 8 दिनों के अंदर में उस पेपर कटिंग को आप रिसीव कर सकते हैं। पेपर कटिंग्स मंगाने के लिए अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और पिन कोड, ये 4 चीज़ें, और ये आपका कंप्लीट मेजरमेंट ऊपर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको भेजना है। तो आज की ये वीडियो पेपर कटिंग्स मंगाने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि जो लोग खुद से कटिंग करते हैं, मेजरमेंट किस प्रकार से लेना है पुराने ब्लाउजों का उसके हिसाब से भी मैंने आप सभी लोगों को बताया। एक चीज़ और है कि जैसे मान लो आप कटोरी ब्लाउज नहीं बनवाना चाहते, कुछ और बनवाना चाहते हो, तो आप सिर्फ कटोरी के मेजरमेंट को स्किप करोगे, आपको कटोरी का मेजरमेंट नहीं लेना। अगर आपको कटोरी ब्लाउज नहीं बनवाना है तो आपको ये डॉट पॉइंट बस नापना होगा। बेल्ट ब्लाउज है ये, बेल्ट ब्लाउज में डॉट पॉइंट कैसे नापते हैं, ये जो मेन जो डॉट होता है उसके पॉइंट को नापते हैं, ठीक है। मान लो यही अगर आपको प्रिंसेस कट बनवाना है तो प्रिंसेस कट ब्लाउज में कैसे नापते हैं, प्रिंसेस कट ब्लाउज में कोई पॉइंट तो दिखता नहीं है, केवल सिलाई रहती है। तो ये जो है इस प्रकार से आप इसको रख करके देखो, ये ऐसे इस तरह से नापना है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। डॉट का पॉइंट आप कोई भी पैटर्न बनवा लो, कोई भी ब्लाउज बना लो, सब में डॉट पॉइंट सेम रहता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, एक छोटा सा नॉलेज था, और वीडियो अगर पसंद है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, जिन लोगों को पेपर कटिंग्स मंगाना है व्हाट्सअप कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।